कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को बजाना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दी टेक्निकल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने फ़ोन को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि आपका फ़ोन कैपेबल हो जाए खुद कुछ टास्क करने के। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है मैक्रोड्रॉइड। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें ऐड मैक्रो से आप अपने मैक्रोस बना सकते हैं। तो अगर आप एक नए यूज़र है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेम्पलेट ऑप्शन को चूज़ करें जो कि प्री बिल्ट मैक्रोस होते हैं। तो जैसे ही आप टेम्पलेट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे पहले से ही प्री बिल्ट। फॉर एग्जाम्पल शेक टू फ्लैश लाइट और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे, जैसे कि फ्लिप टू ओपन कैमरा एक्सेट्रा। तो आपको जो ये टेम्पलेट अच्छा लगे आप उसे टर्न ऑन कर दीजिए और उसे सेव कर दीजिए। जैसे मैंने जेडी हैंडवेव को भी ऑन कर दिया। आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसमें कि बहुत सारे नए नए फीचर्स है, कूल है। तो आप उन्हें खुद से ट्राई कर सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने दो टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर किए हैं तो चलिए उन्हें ट्राई कर लेते हैं। तो बैक करके आपको वहाँ पर मैक्रोस पे देखना है और वहाँ पे आपको इनको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करने का चलो इनकी टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे ही मैं अपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर अपने हाथ फेरूंगा तो आप देख सकती फ़ोन अपने आप लॉक हो जाएगा। सेकंड था जो फ्लैश लाइट का शेक टू फ्लैश, तो शेक करके देखते। तो जैसे ही मैं अपने फ़ोन को शेक करूंगा आप देख सकते कि फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू हो गई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक व कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं डेली टेक वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।